जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक बार फिर से आज बात करेंगे हम लोग गेम पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। पिछली बार जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तब मैंने इसकी तेजी के बारे में आपको बताया था कि स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, जब आप बाइक करेंगे तभी आपका इसमें पैसा बनेगा। आज भी जब मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ तो स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया है, और आज इसमें मैं गिरावट के बारे में बात करूंगा। एक दिन में यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 2% के आसपास गिरावट सिर्फ आज देखने को मिली है। तो बेसिकली इस गिरावट की वजह को समझेंगे, यह भी समझेंगे कि प्राइस जो लगातार नीचे जा रहा है कहाँ तक नीचे जाएगा, कहाँ पर जाकर प्राइस इसका ठहरेगा, और फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट करके प्राइस ऊपर उठना शुरू होगा, ताकि जो लोग हाल फिलहाल के दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए, ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग एकदम टॉप पर बाई किए हों और वो अपने आप को भी फंसे हुए महसूस करेंगे, इनको ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। तो इसी दर्द को, इसी तकलीफ को दूर करने का मैं इस वीडियो में आपको प्रयास करूंगा। यहाँ भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में स्पष्ट दिखेगा आपको कि 12 मार्च से ये स्टॉक आपको लोअर सर्किट में चलते हुए दिखेगा। यहाँ पे देखिए लोअर सर्किट लगा हुआ है, लगातार 3 दिनों से लोअर सर्किट में स्टॉक चल रहा है। हालांकि उसके पहले तक ये स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा था, एक नया 52वीं का हाई बनाते हुए चल रहा था। जब जब ये स्टॉक ने अपर सर्किट मारा, एक नया 52वीं का हाई बना, यानी कि नया रिकॉर्ड इस स्टॉक ने बनाया किस चीज़ के मामले में, एकदम टॉप लगाने के मामले में, कि एक नया प्राइस सबसे हाईएस्ट प्राइस गया है अभी तक इस स्टॉक का। तो ये रिकॉर्ड बनाते हुए चल रहा था अपर सर्किट के साथ ही। अपर सर्किट इसमें फिर लगेगा, मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी देखेंगे कि स्टॉक में लोअर ईएसएम स्टेज की कैटेगरी में भी सेबी ने इसको डाल दिया है। जब भी स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है या अपर सर्किट लगता है, अपर सर्किट में तो नहीं लगता, सामान्यतः लोअर सर्किट लगता है तभी ज़्यादातर आप देखेंगे, तो ईएसएम या एएसएम की कैटेगरी में सेबी इसको, मतलब ज़्यादा पैनिक ना हो और ये भी जांच परख करने के उद्देश्य से भी ईएसएम या एएसएम की कैटेगरी में स्टॉक से भी इसको डाल देता है। तो ये बड़ी चिंता की बात नहीं है। ये बड़ी चिंता की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते होंगे उनको पहले से पता होगा कि अभी इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस 3.65 रुपये के करीब आएगा, तो लोअर सर्किट लग जाएगा। पहले से ही मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर या NSE BSE की वेबसाइट आप विजिट करते हैं, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते होंगे वो ये सब वेबसाइट को जानते होंगे, तो उन्हें पता होगा कि 3.65 रुपये के करीब इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगने वाला है। प्राइस 3.65 रुपये के करीब आया, लोअर सर्किट लग गया, तो अब लोअर सर्किट में आप बेच नहीं पा रहे होंगे। अब देखिए एक अच्छी चीज़ ये है कि स्टॉक में बहुत जल्द अपर सर्किट भी लग सकता है, जैसे इसका प्राइस 3.79 रुपये के करीब जाएगा, इसमें अपर सर्किट भी आपको लगते हुए दिख सकता है। लेकिन प्राइस में देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है इस प्राइस में और इस प्राइस में, सिर्फ 10 पैसे के आसपास बढ़ेगा, तो इजीली प्राइस आपको अपर सर्किट के करीब जाते हुए दिखेगा और इसमें अपर सर्किट लग जाएगा। फिर प्राइस जो अभी लगता है आपको नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगेगा। लेकिन सवाल है कि क्या ये प्राइस जो 3.65 रुपये है, यहाँ से प्राइस बढ़ के 3.79 रुपये के करीब आएगा? क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम होगा तब तो फिर प्राइस में मूवमेंट आएगा, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और क्योंकि वॉल्यूम इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोअर सर्किट लग गया है तो लोग इसको बेच नहीं पा रहे हैं, और चूंकि प्राइस नीचे आ रहा है तो कोई नया इसको बाइक करना नहीं चाहेगा, तो इस वजह से भी वॉल्यूम नहीं है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। हालांकि एक बात मानिए, जब भी वॉल्यूम आएगा तो इसमें अपर सर्किट जबरदस्त लगेगा और फिर एक नया रिकॉर्ड इस स्टॉक में टॉप के मामले में बनते हुए आपको दिखेगा। यहाँ पे समझते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम में आपको दिखेगा। एक सप्ताह में अभी तो ग्राउंड फ्री हुआ, तकरीबन 3.5% के आसपास ग्राउंड इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि एक सप्ताह से पहले देखिए, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ में जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल कर दिया है, और आगे भी इस स्टॉक में जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने तमाम वीडियो जिसके ऊपर बनाए हैं, जिसमें मैं कंपनी के काम और कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के जो मंशा है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो इसके हिसाब से भी लॉन्ग टर्म का यदि आपको विजन है तो आपको शॉर्ट टर्म में घबराने से, प्राइस के गिरने से नहीं घबराना है, लॉन्ग टर्म का विजन रखिए। शॉर्ट टर्म में भी जैसे मैंने बताया कि प्राइस में ऊपर सर्किट जल्द लग सकता है, दिक्कत क्या है कि जब आप यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे ना, तो आप पाएंगे वॉल्यूम एनालिसिस में कि एक दिन में स्टॉक में सिर्फ 7 लाख के आसपास ही इसमें ट्रेड होते हुए दिखा है, और कल में भी देखेंगे सिर्फ 14 लाख, जहाँ पहले एक एक सप्ताह में 1-1 करोड़, 50-50 लाख, 51-51 लाख इसमें ट्रेडिंग होती थी, अब सिर्फ ये 5-7 लाख पे आगे सिमट गया है। वॉल्यूम नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया लोअर सर्किट लगने से कोई बाई नहीं कर रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है, सॉरी कोई सेल नहीं कर पा रहा और प्राइस नीचे आ रहा है, तो कोई इसको बाई नहीं करना चाहता। तो जब वॉल्यूम आएगा ना इस स्टॉक में तो इजिली इसमें अपर सर्किट आपको लगते हुए दिख जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं पावर इंडिया लिमिटेड को, मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन में तकरीबन 1.88% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। सीधे लेकर चलते हैं आपको चार्ट पर, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो गिरावट 2-2% के आसपास से कई दिनों में देखने को मिल रही, इस गिरावट से कब आपको निजात मिलेगा। 1 साल का चार्ट मैंने ओपन किया है। देखिए जब से स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है, थोड़ा सा पुल बैक मिला था आपको पिछले ही साल, उसके बाद से कहीं भी स्टॉक में थोड़ा हल्का भी करेक्शन देखने को नहीं मिला, और फिर प्राइस जहाँ से उठा वहाँ से लगातार प्राइस ऊपर ही जाते रहा। इस स्थिति में जिस व्यक्ति ने कहीं पर भी, किसी भी व्यक्ति ने कहीं पर भी बाई किया होगा, उसको प्रॉफिट हुआ होगा। अब जो लोग एकदम टॉप पे बाई किए होंगे, इस लेवल को ध्यान से देखिए, एक मिनट में इसको शुरू से करता हूँ। 3.5 रुपये का लेवल पे एक लाइन खींचे, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, 3.5 रुपये का लेवल। क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो 3.5 रुपये के लेवल तक आके प्राइस थोड़ा सा सपोर्ट लेगा।
यहाँ से सपोर्ट लेके एक हल्का रिट्रेसमेंट करके प्राइस फिर ऊपर उठेगा, तो इजीली आपको 4 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। जिन लोगों ने 3.5 रुपये के ऊपर बाई किया होगा किसी भी प्राइस पे, उसको क्या करना है कि 3.5 रुपये तक प्राइस को आने तक वेट करना है। जैसे 3.5 रुपये तक प्राइस आएगा तो मैंने बताया यहाँ पे एक सपोर्ट लेके प्राइस फिर हल्का ऊपर उठेगा और इजीली 4 रुपये तक जाते हुए दिखेगा, 4 रुपये से ऊपर भी जा सकता है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपको मान लीजिए दिए आप लॉस में, हालांकि जो लोग थोड़ा पहले बाई किए होंगे वो तो अभी लॉस में नहीं होंगे, जो लोग 3.5 रुपये के ऊपर बाई किए होंगे उनके लिए ज़्यादा सिरदर्द है। तो आपको बस वेट करना है 3.5 रुपये तक प्राइस आए, जैसे मैंने बताया फिर एक रिट्रेसमेंट लेके प्राइस ऊपर जाएगा और इजीली आपको इसमें आप इसको बेच के निकल जाएगा, जैसे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आइएगा। तो बाकी किसी व्यक्ति का यदि लॉन्ग टर्म का विजन है, 5 साल 10 साल के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने को सोचते हैं, तो वो बेशक इसमें बने रहिए, आपको अभी इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको यदि प्राइस इस लेवल के नीचे आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये के लेवल तक आ सकता है स्टॉक का प्राइस, और 3 रुपये के लेवल तक आने के बाद फिर प्राइस में एक रिट्रेसमेंट होगा और यहाँ से फिर प्राइस आपको मान लीजिए यहाँ तक आता है तो फिर यहाँ से ऊपर होते हुए दिखेगा, तो ऐसा चलते रहेगा। हालांकि ये जो रैली आप इसमें देख रहे हैं, जरूर नहीं कि हमेशा यही रैली देखने को मिले, लेकिन बीच बीच में आपको एक तेज़ी इसमें देखने को मिलती रहेगी। और शुरू में जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्टॉक में जल्दी अपर सर्किट लग जाएगा, और एक बार अपर सर्किट लग गया तो यदि किसी को भी लॉस हो रहा होगा तो उसकी लॉस की भरपाई हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी, जो बातें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। एम पावर इंडिया लिमिटेड से संबंधित और भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन, कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।